नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक अनसुईया और आप देख रहे हैं कुश्ती का मेरा चैनल अनसुईया 1974 कुश्ती रेसलिंग टीवी। तो दोस्तों, आज चैत्र की पूर्णिमा के दिन अर्थात शनिवार 16 अप्रैल 2022 को पूरे विश्व में भगवान हनुमान जयंती का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। माता अंजनी और पिता केसरी की संतान रुद्र के अवतार भगवान हनुमान भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे, शक्ति और ज्ञान के प्रतीक रहे, इसलिए वे पहलवानों के भी आराध्य हैं। दोस्तों, शानदार उत्सव कुश्ती रतन स्वर्गीय गुरु भीम पहलवान जी के अखाड़े पर मनाया गया। दोस्तों, यहाँ पर भी हनुमान जयंती का यह उत्सव देखने लायक था। इस उत्सव का आयोजन स्वर्गीय गुरु भीम की पत्नी गुरु माता जी श्रीमती सरस्वती महलावत व उनके पुत्र मोहित किंग पहलवान के द्वारा करवाया गया। गुरु माता जी विश्व की अकेली महिला गुरु माता हैं जो अखाड़ा चलाती हैं और उनके पुत्र मोहित किंग पहलवान इस काम में उनका सहयोग करते हैं और इसके साथ अखाड़े के पुराने गुरु खलीफा भी। और इन्हीं पुराने गुरु खलीफाओं पुराने पहलवानों ने साथ मिलकर अखाड़े में आज सेवा दी। नए शिष्य जो अखाड़े के हैं उन्होंने मिलकर भंडारे में सहयोग किया, व्यवस्था में सहयोग किया और इस अवसर पर जो विशाल भंडारे का आयोजन था वो तो वास्तव में बहुत शानदार था। इसमें क्षेत्र की आम जनता भी सम्मिलित हुई। दोस्तों, अखाड़े पर हवन पूजन के बाद भंडारे को जब खोला गया तो इसकी शानदार व्यवस्था देखते ही बनती थी। शानदार पंडाल के नीचे कुर्सियों पर बैठकर भक्तों ने बढ़िया भोजन प्रसाद लिया, ठंडा जल पिया और तृप्त होकर हनुमान जी की भक्ति में समय लगाया। उनके द्वारा किए गए आचरण को, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा ली और इस प्रकार यह भगवान हनुमान जी की के जन्मोत्सव का जो भंडारा था विशाल शानदार तरीके से संपन्न हुआ। इस शानदार कार्य के लिए गुरु माता जी श्रीमती सरस्वती महलावत व उनके पुत्र भाई मोहित पहलवान को बहुत बहुत बधाई। कुश्ती से जुड़ी ऐसी स्टोरीज को लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।